नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार चौधरी कामरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए काउंटिंग फिगर का टॉपिक लेकर आया हूं, आकृति गिनना। तो जो भी विद्यार्थी इस चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, अपने काउंटिंग फिगर में कई तरह के क्वेश्चन अपने देखेंगे, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है। पहला जो पॉइंट है मैं आपके लिए जैसे स्क्वायर के रूप में लेकर आया हूँ, वर्ग के क्वेश्चन देखेंगे अपने स्क्वायर। बार बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अपने कितने वर्ग होंगे, कितने आयत होंगे, कितने त्रिभुज होंगे, ये अपने को बताने होते हैं। तो भाई, एग्ज़ाम में अपने को टाइम को मैनेज करना होता है, सबसे बड़ी बात ये है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस तरह के क्वेश्चन में गिनने लग जाते हैं, एक एक गिनकर अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं कर सकते। और क्वेश्चन करना ही बड़ी बात नहीं है, मेन होता है टाइम को मैनेज करना, और एक्यूरेसी भी मायने रखती है। तो ऐसे में अपने ये जो भी क्वेश्चन है सारे ट्रिक से देखेंगे दोस्तों। तो पहले मैं आपको वर्ग का पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, जो भी इसमें ट्रिक बनती है वो आप देखिए। दोस्तों, अपने वर्ग की जो भी आकृतियाँ आ रही हैं वो अपने रो और कॉलम के रूप में आती हैं। बड़ी जो आकृतियाँ हैं वो रो और कॉलम में आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो पहला एग्जाम्पल है, इससे अपने समझ पाएंगे कि भाई कौन सी ट्रिक इसमें लगेगी। ये एग्ज़ाम में सीधा कहीं नहीं आना है, लेकिन जो ट्रिक इसमें लग रही है वो बड़ी आकृतियों में भी लगेगी, तो ये अपना थोड़ा समझना आसान रहेगा। बाकी इससे भी कई आकृतियाँ मिलकर के बनी होती हैं, जैसे ये आकृतियाँ ये इनसे ही बनी है। जैसे देखते हैं दोस्तों, इसमें अपने सबसे पहले रो और कॉलम में नंबर देना होता है। एक होता है कॉलम, एक रो है। कॉलम में अपने टॉप से बॉटम की ओर चलेंगे, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, और जो अपने रो है उसमें लेफ्ट से राइट साइड की ओर नंबर देंगे। इसमें जैसे दो रो हैं, दो कॉलम हैं, अपने रो और कॉलम में नंबर दिया है। फिर अपने इनको ऐसे गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दो को दो से गुणा करेंगे चार, एक को एक से गुणा करेंगे एक, फिर इनको ऐड कर देते हैं तो पांच वर्ग इसमें होंगे। बिल्कुल छोटी सी आकृति है, आप सीधा गिनकर भी देख सकते हैं, जैसे एक दो तीन चार, एक पूरा पाँच, पाँच वर्ग अपने होंगे। क्वेश्चन में ऊपर लिखा होता है भाई, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, हाउ मैनी स्क्वायर देयर इन द गिवन फिगर। आकृति में कितने वर्ग हैं ये आपको बताने, ऐसा क्वेश्चन में लिखा होता है। दूसरी आकृति अपने देखते हैं, इसमें अपने को वर्ग ही बताने हैं। सारे जो एग्जाम्पल है वर्ग के लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। तो अपने इसमें भी यही तरीका रखेगा, अपने रो और कॉलम में नंबर देंगे। जैसे अपने तीन कॉलम बने हुए हैं, तीन तक नंबर देंगे। आगे इसमें जैसे रो है, इसमें भी तीन बॉक्स बने हुए हैं, तीन तक नंबर देंगे। फिर इनको ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है, अपने तीन को तीन से गुणा करेंगे नौ आएगा, दो को दो से गुणा करेंगे चार आएगा, एक को एक से गुणा करेंगे एक आएगा, इनको जोड़ेंगे अपने 14 वर्ग होंगे। 14 इसका उत्तर रहेगा दोस्तों, 14 वर्ग इसमें है। यहाँ भी गिनना कोई बड़ी बात नहीं, आप गिन सकते हो 10-12 तक, अपने कोई बड़ी बात नहीं होती है। जैसे आप गिनना चाहो तो 9 अपने स्पष्ट बने हुए हैं सामने, 9 अपने सीधे हो गए हैं। 9 के बाद में इन चारों से बनेगा 10, इन चारों से बनेगा 11, इन चारों से बनेगा 12, एक इन चारों से 13, और एक पूरा रहेगा 14। 14 अपना उत्तर रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में सीधा रिपीट हुआ है, और इस तरह के जो क्वेश्चन है अपने अगर गिनकर करना चाहें तो भाई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, टाइम को मैनेज करना होता है। तो ऐसे में अपने भाई ट्रिक से इन क्वेश्चन को करना होगा। तो ये जो क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस 2018 के एग्जाम में आया था, अभी जैसे राजस्थान पुलिस SI 2021 का पेपर हुआ उसमें रिपीट हुआ है। बार बार ये आकृतियाँ रिपीट होती हैं, जिन स्टूडेंट का पढ़ा हुआ है वो सीधा देखते ही क्वेश्चन भी कर देते हैं। तो देखते हैं इसको भी, पहले अपने रो और कॉलम में नंबर देते हैं, तो इसमें चार बॉक्स बने हुए हैं, चार तक नंबर दे पाएंगे। इधर भी अपने चार खाने बने हुए हैं, चार तक नंबर देंगे। फिर इनको गुणा करेंगे, चार को चार से गुणा करेंगे 16, तीन को तीन से गुणा करेंगे 9, दो को दो से गुणा करेंगे चार, एक को एक से गुणा करेंगे एक, इन सबको अपने ऐड करेंगे 30। इसमें अपने जो भी आकृतियाँ हैं ऐसे रो और कॉलम में नंबर देंगे, फिर ऐसे नीचे से गुणा करते हुए अपने चलेंगे, फिर इनको अपने ऐड कर देते हैं। इसको आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो, जब ये 2x2 में है, 3x3 में है, 4x4 में है, तो वर्ग को अपने स्क्वायर बोलते हैं, तो यहाँ स्क्वायर ही कर देते हैं। जैसे दो को दो से गुणा करने का मतलब दो का स्क्वायर, एक को एक से गुणा करने का मतलब एक का स्क्वायर। ये तीन का स्क्वायर है, ये दो का स्क्वायर है, ये एक का स्क्वायर है। ये चार का स्क्वायर है, ये तीन का स्क्वायर होगा। इनको गुणा करेंगे दो का स्क्वायर आएगा, इनको गुणा करेंगे एक का स्क्वायर आएगा। लेकिन स्क्वायर का तरीका ये तभी लगेगा जब ये 2x2 में है, 3x3 में है, 4x4 में है। लेकिन मैं जो आपको ये तरीका बता रहा हूँ, जैसे रो और कॉलम में नंबर देते हैं, ये अपने यूनिक है, जैसे इन सब में लगेगा भाई। तो अपने ये एग्जांपल देखते हैं इसी तरीके से। पहले अपने रो और कॉलम में नंबर देना होता है, इस साइड में अपने चार बॉक्स बने हुए हैं, चार तक नंबर देंगे। इस साइड में अपने दो बॉक्स बने हुए हैं, दो तक नंबर देंगे। फिर इनको ऐसे गुणा करेंगे, अपने चार को दो से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो गया, तीन को एक से गुणा करेंगे 3 हो गया, 8 और 3 11 अपना उत्तर रहेगा।
आगे देखो अपने इसमें गुणा नहीं कर पा रहे हैं तो उसको अपने रहने देंगे, जितना गुणा होता उतना ही करेंगे, अपना उत्तर आ जाएगा। चार दूनी आठ, तीन एकम तीन, आठ अपना उत्तर होगा। अगर आप गिनना चाहो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, स्पष्ट अपने गिन पा रहे हैं। चार ऊपर हैं, चार नीचे हैं, आठ, एक ये बनेगा नौ, एक ये बनेगा इन चारों से दस, इन चारों से बनेगा ग्यारह, ग्यारह अपना उत्तर रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, इसमें भी अपने यही तरीका रहेगा। जैसे अपने रो और कॉलम में नंबर देंगे, इसमें तीन कॉलम बने हुए हैं, तीन कॉलम बने हुए हैं, तीन तक नंबर दिया है, चार रो बनी हुई हैं, चार तक नंबर दिया है। फिर इनको ऐसे गुणा करना होता है, चार को तीन से गुणा करेंगे बारह, दो को तीन से गुणा करेंगे छः, दो को एक से गुणा करेंगे दो, इन सबको ऐड करेंगे बीस, तो इसमें बीस वर्ग रहेंगे। ये जो आकृति है देखेंगे, इसमें तीन अपने कॉलम बने हुए हैं, पाँच तक नंबर रो में अपने दिया है, फिर इनको ऐसे गुणा करेंगे, पाँच दिए पंद्रह, चार दूनी आठ, तीन एकम तीन, इन सबको ऐड करेंगे छब्बीस, 26 इज द राइट आंसर, 26 अपना उत्तर रहेगा। नेक्स्ट आकृति देखते हैं दोस्तों, ये जो आकृति है इसमें कितने वर्ग होंगे ये आपको बताना है। तो आप देखेंगे इसमें सेम ये जो आकृति है यही यहाँ बनी है, बस इसको डबल किया गया है। तो आप देखेंगे एक में इसमें अपने पाँच हैं, इसको ही डबल किया है तो पाँच का भी डबल कर देंगे, दस होंगे। जैसे आप देखोगे अंदर ये पूरा बंडा है तो सेम इसके ऊपर ऐसा बाहर भी बनेगा, अंदर जैसे इस कॉर्नर में ये छोटा बंडा है तो सेम इसके ऊपर ये ऐसा बड़ा भी बनेगा। तो एक में पाँच हैं, डबल किया है दस होगा, इसको ट्रिपल किया दोस्तों तो एक में पाँच हैं तो दो में दस होंगे, तीन में पंद्रह होंगे, तो पंद्रह इसका आंसर होगा। ये जो आकृति है ये पूरी जैसे रो और कॉलम के रूप में नहीं दी हुई है, तो ऐसी आकृति में अपने नंबर देकर अपने को गिनना पड़ेगा। हर छोटे एग्जाम्पल के अपने ट्रिक नहीं ले सकते, लेकिन जो भी बड़ी आकृतियाँ जो रो और कॉलम के रूप में दी हुई है उनको आप ट्रिक से कर सकते हो। तो इसमें अपने देखेंगे जैसे एक दो तीन, इस प्रकार से अपने इनमें नंबर देंगे, तो दस तक अपने नंबर दिया तो दस वर्ग तो अपने सीधे हो गए जो अपने को दिख रहे हैं। दस के बाद में इन चारों से अपने देखेंगे ग्यारह, इन चारों से देखेंगे बारह, इन चारों से देखेंगे तेरह, और ये इम्पोर्टेंट रहेगा जैसे बीस में अपने ये कई बार काउंट नहीं कर पाते हैं, तो एक ये रहेगा चौदह। इसकी चारों साइड बराबर हैं, सारे एंगल 90 डिग्री है, तो अपने इसको वर्ग कहेंगे, तो चौदह अपना उत्तर रहेगा, चौदह वर्ग इसमें रहेंगे। इसके बाद में और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, दो चार और बताता हूँ अभी आपको। आगे देखो यही जो एग्जाम्पल है इनका अगर थोड़ा सा एग्जामिनर है वो अगर लेवल बढ़ाता है तो इनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके अपने को इस हिसाब से क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे ये जो आकृति दी हुई है ये क्वेश्चन अभी आपने किया है, इसमें जैसे 30 वर्ग होंगे, ये जो आकृति है इसमें 30 वर्ग होंगे, लेकिन इनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल बना देते हैं कई बार। जैसे ये जो आकृति है, जैसे इसमें आपसे पूछ लेगा भाई दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं, तो 30 तो दोस्तों इसमें पहले से ही बने हुए हैं, अपने रो और कॉलम में 4x4 में बना हुआ है, 30 तो ये पहले से ही है। थोड़ा सा परिवर्तन इसमें और किया है, जैसे एक तो देखो आपने ये बाहर वर्ग बनाया है, एक तो आपने ये बनाया है और चार ये ऑटोमेटिक इसके अंदर बन गए, एक आपने बनाया चार ये बन गए, मतलब पाँच वर्ग यहाँ से और बन रहे हैं। एक में पाँच बन रहे हैं तो ऐसी आपने चार आकृतियाँ बनाई है, एक में पाँच है तो चार में बीस होंगे, तीस पहले से थे, बीस और बन गए, पचास अपना उत्तर होगा। एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन करते हैं अपने, 50 तक गिनती गिनने में भी लगभग एक मिनट लग जाता है, तो गिनकर तो अपने चाहते भी नहीं कर सकते, तो ऐसे में कोई ना कोई तरीका अपने पास होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपने इसके बाद में। जैसे दोस्तों ये जो आकृति है, अभी मैंने आपको ये बताया है, इसमें जैसे अपने 14 वर्ग होंगे, ये रही आकृति, 14 वर्ग इसमें है, लेकिन इसमें जैसे परिवर्तन देखने को मिलता है कई बार, जैसे ये बना दिया उसने इस हिसाब से ये बना दिया, तो अब इसमें कितने वर्ग होंगे, 14 पहले से थे। अब इसमें क्या है कि जैसे अपने ये आपने एक प्लस का निशान बनाया है, आपने प्लस का निशान बनाया तो प्लस के निशान से अपने चार और बन गए, ये बाहर वाला तो आपने गिन रखा है, ये जो बड़े हैं ये तो आपने गिन रखे हैं 14 में, हाँ प्लस का निशान लगाते ही अपने चार बन रहे हैं, तो एक प्लस से चार बने तो आपने चार प्लस के निशान लगाए, एक से चार हैं तो चार से 16 बनेंगे, 16 और 14 अपने देखेंगे 30 हो जाएंगे, तो 30 अपना उत्तर रहेगा।
ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। अंदर अगर आप प्लस का निशान लगाते हैं तो चार ही बढ़ते हैं, हाँ अगर आप अंदर जैसे ऐसे वर्ग बना रहे हो तो ऐसे में अपने पाँच बढ़ेंगे, क्योंकि एक तो आपने बनाया है, चार ऑटोमेटिक बन गए। अब जैसे यही आकृति है, इसको भी अपने देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा परिवर्तन करके। जैसे इसमें आपने देखा भाई 11 वर्ग थे, अब इसमें जैसे अपने मैं ये अलग से ये थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूँ, इसमें एक तो मैंने यहाँ बनाया है, एक ये बनाया है। तो आपको पता है जैसे ही अपने ये एक वर्ग बनाते हैं, मतलब पाँच यहाँ से आपको लेने हैं, एक तो आपने बनाया है, चार ऑटोमेटिक बन गए। ऐसे ही इस साइड में भी अपने एक से पाँच और बनेंगे, तो पाँच और पाँच दस, दस ही और बनेंगे, कुल अपने 21 वर्ग हो जाएंगे। तो क्वेश्चन बार बार आप देखोगे जैसे रो और कॉलम के रूप में ऐसे ही दिए होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके क्वेश्चन को थोड़ा टिपिकल बना देते हैं। अब कुछ आकृतियाँ ऐसी भी हैं जिनमें अपने को गिनकर देखना होता है उनकी, जैसे मतलब कोई ट्रिक नहीं है लेकिन गिन सकते हैं आसानी से, किसी स्टूडेंट का अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो वो भी आसानी से इस तरह के क्वेश्चन कर सकता है। एक एग्जाम्पल देखना, जैसे जैसे ये आकृति है, क्वेश्चन है दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। त्रिभुज दोस्तों इसमें अपने ट्रायंगल जो हैं वो अपने ट्रिक से देख लेंगे, जैसे 22 त्रिभुज इसमें होंगे वो गिनना मुश्किल है, लेकिन वर्ग अपने को गिनना पड़ेगा। आजकल एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपने पेपर में देखा हो कि भाई वर्ग और त्रिभुज का अंतर क्या होगा, वर्ग और त्रिभुज का योग क्या होगा, या कई बार एक ही ऑप्शन में दोनों अपने को दे देता है। तो ऐसे में अपने ध्यान रखेंगे, जैसे वर्ग है इसमें रहेंगे सात वर्ग, गिनना ही पड़ेगा, पाँच सात के लिए कोई ट्रिक नहीं ले सकते इसमें। तो आप देखेंगे तीन तो इसमें ये सीधे बनेंगे अपने, तीन तो ये हैं, एक इस साइड में ऐसे बनेगा चार, एक इधर बनेगा पाँच, पांच वर्ग तो ये सीधे हो गए। जैसे आप देख पा रहे हो तीन इसमें हैं, एक ये अलग है, एक ये अलग है, तो पांच ही हो गए। इसके बाद में देखो दो ये बड़े बनेंगे बीच में, जैसे दो ये बनेंगे, तो सात वर्ग अपने इसमें रहेंगे दोस्तों। तो ऐसी छोटी छोटी आकृतियाँ तो अपने गिनकर भी कर सकते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, नहीं पढ़ा वो स्टूडेंट भी कर पाएगा। तो और कुछ बड़े एग्जाम्पल अपने देखेंगे इसमें अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।